आमीन। आइए हम सब बैठ जाते हैं। यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका हम स्वागत करते हैं इस यूथ संडे में। जवानों के इस पुनरुत्थान के दिन को स्मरण करते हुए हम अपने परमेश्वर को अपने हृदय से धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हमारी कलीसिया में जवानों का योगदान जो है बहुत महान है। हर एक जवान, जितने भी जवान हमारे कलीसिया में हैं, उन सब का व्यक्तिगत जीवन जो है हमें आनंद को लेके आता है। और मैं विश्वास करता हूँ कि आने वाले दिनों में हमारी कलीसिया के हर एक जवान जो है वो परमेश्वर के लिए जी सके और परमेश्वर के गवाह बनकर दुनिया के कोने कोने में उस रोशनी को फैला सके जिसके लिए परमेश्वर ने आपको चुना है और आपको चला रहे हैं। तो आइए हम थोड़ा समय परमेश्वर के वचन को हम सीखेंगे जो इफिसियों की पत्री से ली गई है। इफिसियंस हम सब जानते हैं, इफिसियों की पत्री प्रेरित पौलुस जो है उन्होंने लिखा है। और इस पत्रिका में कुल 6 अध्याय हैं, 6 चैप्टर्स वी हैव। और इस 6 अध्याय जो है अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उन सारे 6 अध्यायों को तो हम नहीं सीख सकते, लेकिन जितना भी समय हमारे पास है उस समय के अनुसार हम परमेश्वर के इन वचनों में जो मधुर बातें हैं, जो भी हमारे लिए आज के दिन रखी गई बातें हैं, उन्हें हम सीखने की कोशिश करेंगे। इफिसियों की पत्री में जो 6 अध्याय हैं उस पत्रिका को लिखने के लिए प्रेरित पौलुस ने अपने पेन को उठाया है, और उनको लिखने के पहले वो 2 बार उनसे मुलाकात की थी। इफिसियस जो नगर था, बहुत बड़ा नगर, उस नगर में जाकर सेकेंड मिशनरी जर्नी में कुछ दिन उनके साथ बिताए थे प्रेरित पौलुस। और उसके बाद जब वो उनके साथ समय को बिताकर ज़्यादा समय बिता नहीं पाए तो उनके लिए प्रार्थना करते रहे, ताकि जब थर्ड मिशनरी जर्नी शुरू हुआ तो उस समय करीब करीब 3 साल उन्होंने इफिसियस में रहकर उनको सुसमाचार सुनाए, और उन सबके जीवन में परमेश्वर के कार्यों को उन्होंने देखा है। सो सेकेंड मिशनरी जर्नी में उनसे मुलाकात हुई, थर्ड मिशनरी जर्नी में उन्होंने जो है 3 साल उनके साथ बिताए। और उसके बाद जब वो लौट कर यरूशलेम में आए तो यरूशलेम में आते ही रोमन गवर्नमेंट जो है उनको जो है इम्प्रिजनमेंट कर दिए, उनको जेल में डाल दिए। और प्रिजन में रहकर उन्होंने इस पत्रिका लिखी है, इस किताब को उन्होंने लिखी है। कुल 4 पत्रिकाएं हैं जो उन्होंने जेल से लिखी है, उसमें से एक जो है वो इफिसियों की पत्री है। सो इस इफिसियों की पत्री में उन्होंने जो कुछ उनको सिखाया उसको फिर से उनको बहुत ही अच्छे रूप से लिख के बताए हैं। सो इस इफिसियों की पत्री में को लिखने के पीछे के पर्पस को अगर हम देखें, व्हाट इज द पर्पस टू राइट दिस लेटर, पॉल के मन में 2 इंपॉर्टेंट पर्पस थे, 2 मेन पर्पसेस वर देयर। नंबर 1 जो हमें याद रखने की जरूरत है, वो प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु जी ये जो मेरे प्रिय लोग हैं ये आपके द्वारा जो भी बेनिफिट्स हैं, जो भी रिसोर्सेस हैं, उन्हें हमेशा याद रखें। ही इज प्रेइंग दैट यू मे कम टू नो योर रिसोर्सेस इन क्राइस्ट। एवरी बिलीवर मस्ट नो द रिसोर्सेस इन क्राइस्ट। मेनी टाइम वी डिड नॉट रिमेंबर दैट वी हैव ग्रेट रिसोर्सेस इन क्राइस्ट, बट सेवरल टाइम्स वी डिड नॉट रिमेंबर दैट। सो इसलिए वो प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु जी ये आपके जो बच्चे हैं, जो आपके प्रिय लोग हैं, जो आपकी कलीसिया है, ये लोग हमेशा याद रखें कि आप में जो कुछ रिसोर्सेस उनके लिए रखी गई हैं, ताकि वे उस रिसोर्सेस को इस्तेमाल कर सकें, उन रिसोर्सेस को वो अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने आत्मिक जीवन में इस्तेमाल कर सकें। दैट्स द फर्स्ट प्रेयर। सेकेंड प्रेयर वी सी दैट आई प्रे दैट यू मे लिव कंसिस्टेंट विथ योर फेथ इन क्राइस्ट। सो दूसरी बात जो है, हमारे विश्वास में कंसिस्टेंसी होना चाहिए, हमारे अंदर जो है हम उस कंसिस्टेंसी में आगे बढ़ना है। यानी हमारे जीवन में खुशी हो या तकलीफ हो या कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, हमारे अंदर विश्वास जो है मसीह में वो लगातार निरंतर बने रहना चाहिए। दिस 2 पर्पसेस वी सी इन ऑल दिस 6 चैप्टर्स। सो फर्स्ट 3 चैप्टर्स ही इज टॉकिंग अबाउट गॉड्स वर्क। With that work, he is explaining the resources which we have in Christ Jesus. उसके बाद 4 से लेकर 6 में वो बता रहे हैं कि what a believer should do. Believers जो है, their work is important. So works of believers are there. So first 3 chapters, he talks about God's way to give all the resources to the people. Second part, he talks about the believers to work, what resources they have. Acknowledge that resources and work for Christ.
सो इन दो बातों को हम याद करते हुए थोड़ा आगे बढ़ें, तो जो भाग हमने चुना है इफिसियों की पत्री उसका चौथा अध्याय उसके पहले वचन में हम देखते हैं कि इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूं, मैं प्रिजन में हूं, आई एम इन क्राइस्ट, आई एम इन स्लेव, आई एम इन द बॉन्डेज, दैट्स व्हाट ही सेज। बंदी जो शब्द है वो बॉन्डेज को याद दिला रहा है, मैं प्रभु में बंदी हूं और उस बंदी में रहकर तुमसे विनती करता हूं। एंड आई रिक्वेस्ट यू, आई अर्ज यू, आई अर्ज यू, आई रिक्वेस्ट यू। क्या उन्होंने रिक्वेस्ट किया वही आज हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं। प्रेरित पौलुस जो है हम सबसे एक रिक्वेस्ट करें, विशेष तौर से जवानों से। जवानों के जीवन में परमेश्वर ने बहुत से रिसोर्सेस को दिए हैं, उन रिसोर्सेस को क्लेम करते हुए कैसे हम परमेश्वर के कार्य को करें वो हमें परमेश्वर सिखाना चाहते हैं। और उसके लिए परमेश्वर ने जो है अपने वचन को पवित्र आत्मा के द्वारा हमें सिखाते आए हैं। बाय द होली स्पिरिट गॉड टीचेस, गॉड लीड्स, गॉड गाइड्स, सो दैट एवरी इंडिविजुअल मस्ट रन, एवरी इंडिविजुअल मस्ट वॉक विद गॉड। पर हर कोई जो है परमेश्वर के साथ चलने वाले बन सके, क्योंकि हम सब परमेश्वर के बच्चे हैं। वी ऑल आर गॉड्स ओन स्पेशल चिल्ड्रन, एवरी बिलीवर इज गॉड्स ओन स्पेशल चिल्ड्रन, एंड दैट्स वाई वी हैव टू बिहेव प्रॉपरली। हम जो है बहुत ही अच्छे रूप से जीने वाले बने, उतना ही नहीं हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर के सत्य को हम पहचान सकें। और इसलिए वो कह रहा है वॉक वर्दी ऑफ दैट, आवर लिविंग एंड बिहेविंग, बिहेवियर, दिस टू थिंग्स टॉक्स अबाउट द वर्दी वॉक। परमेश्वर के सामने चलने के लिए हमारा जीवन और हमारी जो सोच है वो दोनों ही हमें जो है परमेश्वर की नज़रों में बहुत ही उम्दा बनाते हैं, बहुत ही लायक बनाते हैं। हिंदी में जो शब्द वर्दी के लिए यूज़ किया गया है, योग्य या लायक, ये दोनों शब्द जो है इस बात को याद दिलाता है कि परमेश्वर जो है हमें अपने योग्य बनाए हैं, इसलिए हमें बहुत ही अच्छे रूप से जीना है। और उस जीवन को जीने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हम जो है परमेश्वर से प्रेम करने वाले बने। वी मस्ट हैव द लव फॉर गॉड, दैट इज इंपॉर्टेंट, लव फॉर गॉड एंड लव फॉर मैन। अगर ये दो चीज नहीं है तो हमारा विश्वास जो है वो बेकार है। इसलिए किसी व्यक्ति ने कहा, सैक्रिफाइसिंग एंड फेथफुलनेस ऑल थिंग्स विल कम आफ्टरवर्ड्स, सेल्फ सैक्रिफाइस एंड फेथफुलनेस विल कम ऑल आफ्टरवर्ड्स इफ देर इज नो लव। सो लवलेस लाइफ इज ऑलवेज टेक्स यू अवे फ्रॉम द लॉर्ड, और वो हमें वर्दी लाइफ जीने में रोकता है। इसलिए हमें परमेश्वर से जो प्रेमी है उससे हमें प्रेम करने की बेहद जरूरी है। सो उस बात को बताते हुए जब आगे बढ़ते हैं तो हमसे कहते हैं कि परमेश्वर जो है वो वर्दी है, इसलिए वो आपको वर्दी बनाना चाहते हैं। परमेश्वर योग्य है, इसीलिए वो चाहते हैं कि हम भी उनके योग्य रहें। और जब इस बात को हम सोचते हैं तो हमें लगता है कि वी आर नॉट वर्दी बिकॉज वी आर ह्यूमन बींग। हम कई बार सोचते हैं कि प्रभु जी मैंने ये गलती की है, वो गलती की है, मुझे क्रोध जल्दी आ जाता है, गुस्सा में आ जाता हूँ, कुछ भी मैं बोल देता हूँ, इसलिए मैं योग्य नहीं हूँ, आई एम नॉट वर्दी। सेवरल टाइम्स वी से दैट, हम में से हर एक लोग इस बात को कहते हैं, लॉर्ड आई एम नॉट वर्दी, बट द गॉड हु कॉल्ड यू ही इज वर्दी, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। हम जो है योग्य नहीं है, परंतु जिस परमेश्वर ने हमें बुलाया है वो योग्य है। और इसलिए रेवलेशन में चैप्टर 5:1-5 अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पर हम पाते हैं कि वर्दी इज द लैम्ब, सो वर्शिप द लैम्ब। अवर गॉड जीसस क्राइस्ट इज पोर्ट्रेटेड एज अ लैम्ब एंड ही इज वर्दी। रेवलेशन चैप्टर 5 में अगर हम देखें तो उस बात को देखते हैं, उसको और भी अच्छे रूप से 4:11 में आखिरी में बताते हैं। रेवलेशन चैप्टर 4:11 में देखिए, वहां लिखा है, वी आर नॉट वर्दी बट द वन हु कॉल्ड अस इज वर्दी। You are worthy, O Lord, he says. You are worthy, Lord and God, to receive glory and honor and power. हे परमेश्वर, आप ही महिमा और जलाल के योग्य हैं, आप ही हमने इस लायक बनाए हैं कि हम आपकी आराधना कर सकते हैं। सो प्यारे दोस्तों, सबसे पहली बात हमें जो याद रखना है वो ये है, यस वी आर नॉट वर्दी बट माई गॉड इज वर्दी। हाँ मैं योग्य नहीं हूँ, परंतु मेरा परमेश्वर योग्य है, जिसने मुझे बुलाया है वो योग्य है। और इसलिए वो हमसे चाहता है कि हम योग्य चाल को चलें, और इसलिए हम पूरे धैर्य के साथ ये कह सकते हैं कि हाँ प्रभु जी आप योग्य परमेश्वर हो, इसलिए मैं भी योग्य जीवन जी सकता हूँ। एक दो एग्जाम्पल मैं आपके साथ बांटना चाहूँगा। एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल जेनेसिस में हम देखते हैं, जेनेसिस चैप्टर 32
और वर्स नंबर 10-11 में अगर हम देखें, वहां पर एक व्यक्ति है जिसका नाम है जेकब। हम सब जानते हैं जेकब को। याकूब जो है बहुत ही परमेश्वर के विरोध रहने वाला व्यक्ति था, और उस व्यक्ति ने जब परमेश्वर के विरोध अड़ंगा किया तब उसके बाद उसके जीवन में बहुत सी तकलीफों को उन्होंने देखा। और एक समय ऐसा आया कि जब वो अपने भाई से मिलने के लिए वापस आना चाहता था, एसाव से, और उससे माफ़ी मांगना चाहता था, तो उसके 32nd चैप्टर में जब हम पहुंचते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि याकूब जो है वो प्लान बना रहा है, वो प्लान बना रहा है कि अपने भाई के पास वापस आए। और जब प्लान बनाते समय वो सोचने लगा कि मैंने क्या क्या नुकसान को किया अपने भाई के साथ, मैंने क्या क्या तकलीफों अपने भाई को दिया है। उन सब को जब उसने याद किया तो उसे लगा कि हाँ प्रभु जी, मैं योग्य नहीं हूँ कि अपने भाई से माफ़ी मांगूँ। उसके 10th वर्स में देखिए वहाँ लिखा है कि उसके 10th वर्स में लिखा है, तूने जो जो काम अपनी करुणा और सच्चाई से अपने दास के साथ किए हैं कि मैं जो अपनी छड़ी से लेकर इस यर्दन के पार उतर जाऊँ, और अब मेरे दो दल को मैं लेकर आगे बढ़ता हूँ। और उसके आगे देखिए वहाँ लिखा है कि मैं तुमसे विनती करता हूँ कि एसाव मेरे साथ ऐसा ना करे, एसाव जो है मेरे विरोध ना उठे। तो यहाँ पर जो जेकब जो है वो गलती किया, लेकिन एक समय आया जब उसने परमेश्वर के पास जाकर माफ़ी मांगा, और जिसके कारण जेकब जो है वो इज़राइल में कन्वर्ट हुआ। और उसका कारण ये है, ही अंडरस्टूड दैट ही इज नॉट वर्दी, आई एम नॉट वर्दी ऑफ द लीस्ट ऑफ ऑल द मर्सीज दैट यू हैव शोन अपॉन मी। याकूब जो है परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए कह रहा है कि प्रभु जी, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मुझ पर जो करुणा, जो अपने विश्वास योग्यता को, फेथफुलनेस को दिखाया है, उस योग्य मैं नहीं हूँ। फिर भी आप मेरे संग हैं, इसलिए मैं अपने भाई से मिलना चाहता हूँ, एसाव से मिलना चाहता हूँ। दैट इज द हार्ट ऑफ रिपेंटेंस। यहाँ पर याकूब के जीवन से हम क्या सीखते हैं कि जब भी हमारे मन में ये लगता है कि आई एम नॉट वर्दी, कई बार हमारे मन में शैतान लाता है, कहता है कि आप यू आर नॉट वर्दी, आप जो है योग्य नहीं है। दैट इज नॉट गॉड्स साइड, इट इज फ्रॉम सैटन साइड। शैतान जो है हमें हमेशा निर्बल करते हुए कहता है, यू आर नॉट वर्दी, यू हैव डन दिस एंड दिस एंड दिस इज मिस्टेक्स, यू डोंट नो एनीथिंग, यू आर नॉट होली। दैट ऑल कम्स फ्रॉम नॉट फ्रॉम गॉड बट कम्स फ्रॉम सैटन। और इसलिए ऐसे समय में द बेस्ट एग्जाम्पल वॉट वी हैव टू डू इज वी फॉलो जेकब। जेकब हैज से दैट, लॉर्ड आई एम नॉट वर्दी, प्लीज फॉरगिव मी, और परमेश्वर उन्हें क्षमा किए और वो एक इज़राइल के रूप में जाने गए। दैट इज द फर्स्ट एग्जाम्पल। सो हमारे जीवन में कई बार इस प्रकार की बातें आने पर हमें जो है याकूब की तरह परमेश्वर के पास आना है, कहना है कि प्रभु जी, मैं तो योग्य नहीं हूँ, केवल आप ही योग्य हैं और मुझे आप योग्य बना सकते हैं, ये मेरा विश्वास है। दैट्स नंबर वन। नंबर टू, हम जर्मया के जीवन में देखते हैं। ओल्ड टेस्टमेंट में जर्मया नाम का एक व्यक्ति था, वी नो जर्मया वेरी वेल, जिसे हम हिंदी में यर्मिया कहते हैं। उसके 26 चैप्टर में आइए, जर्मया चैप्टर 26, मेजर प्रॉफिट्स में आइज़ाया के बाद जर्मया है। उसके 26 चैप्टर में आइज़ाया जो है, जर्मया जो है, ही इज नोन एज अ वीपिंग प्रॉफिट। वो हमेशा रोता रहता था और रोते हुए इसराइल के लिए प्रार्थना कर रहा था। और जब 26वें अध्याय में आते हैं तो परमेश्वर उससे बातें कर रहे हैं और परमेश्वर कहते हैं कि ये जो प्रजा है, ये जो इसराइल के लोग हैं, इन्होंने मेरे विरुद्ध काम किए हैं, इन्होंने मुझे बहुत दुख दिलाया है। और उसके 11वें वचन में देखिए, 26 चैप्टर 11, वहां पर परमेश्वर के बातों को सुनकर यर्मिया जो है एक भविष्यवाणी करता है। ही प्रोफेसाइज एंड हिज प्रोफेसी इज दैट गॉड इज नॉट डूइंग टू गुड टू दिस कंट्री, यानी एक नेगेटिव प्रोफेसी वो कर रहे हैं। जब वो नेगेटिव प्रोफेसी किए तो जितने भी वहां पर भविष्यवक्ता थे अदर देन जर्मिया, ऑल अदर प्रोफेसर्स देयर, ऑल द प्रोफेट्स, दे से दिस मैन इज टॉकिंग अगेंस्ट दिस कंट्री, सो लेट अस गिव पनिशमेंट टू हिम। और यहाँ पर यर्मिया जो है तकलीफ में है कि परमेश्वर जो है उसे कहा, जाके बताइए कि वहाँ पर जो तकलीफ होने वाला है। और जब उन्होंने उस बात को बताया तो लोग जो है, ऑफिसर जो है, वो कहने लगे कि ही डिजर्व टू डाई, ये मरने के लायक है, यर्मिया जो है मरने के लायक है, क्या क्यों कह रहे हैं, वाई इज डिजर्व टू डाई, वाई इज वर्दी टू डाई। द रीजन इज फॉर ही प्रोफेसाइज्ड अगेंस्ट दिस सिटी, दिस सिटी बिलोंग्स टू गॉड एंड ही प्रोफेसाइज्ड, that's why he is worthy to die. And in that circumstances, this person, godly person, he knows that his God is worthy. And what the God says him, that will be true. That is true. और इसलिए जब उसने जाना कि मेरा परमेश्वर योग्य है, वो घबराया नहीं। थोड़ा आगे देखिए, 16th वर्स में जब आते हैं,
16th वर्ष में वहां पर बहुत ही अच्छी बात को हम देखते हैं। वहां पर क्या देखते हैं, वहां पर एक प्रिंस है, वो कह रहा है कि नो ही इज नॉट वर्दी टू डाई, दिस मैन डजंट डिजर्व टू डाई। दैट्स व्हाट आवर गॉड इज। जब दुनिया के लोग कहते हैं कि यू आर डिजर्व टू डाई, गॉड सेज नो। गॉड सेंड्स हिज पीपल एंड सेज नो why he should not die. Reason is given in the last part of that verse, 26:11, 26:16. Likha hai, for he has spoken to us in the name of the Lord and God. He has spoken to us in the name of our Lord and our God, Elohim. Unhone hamare saath jo baatein ki, wo apne or se nahi, Parmeshwar ki or se baatein ki hai. So if we want to be worthy, what we have to do? We have to speak which God wants us to speak. The Jeremiah teaches us that he is called worthy because he spoke what God want him to speak. प्यारे दोस्तों, कई बार हम बहुत सारी बातों को बोलने के कारण हम कई बार परमेश्वर की आशीषों को खो देते हैं और कई बार अपने ऊपर जो है तकलीफों को लाते हैं। यहाँ पर यर्मिया हमको सिखा रहा है कि ही इज वर्दी नॉट बिकॉज ही इज अ वेरी टैलेंटेड पर्सन, इज अ प्रॉफिट और हिज फोर फादर्स आर वेरी गुड पीपल। नो, द ओनली रीजन इज ही इज स्पीकिंग to the people what God asked him to say. To is baat ko jab hum seekhte hain, to we will become worthy in the sight of God. And that's what the word of God reminds us, that worthy of your call. Remember that. Walk worthy of your call. So when we walk worthy of call, that reminds us that we have to speak very clearly, very nicely. The words which God wants us to speak, that only we have to speak. That is the second example is taken from Old Testament. New Testament में से एक और example में बताकर आगे बढ़ना चाहूँगा। New Testament में prodigal son है। Prodigal son हम सब जानते हैं, उड़ाऊ पुत्र जो है। Luke's Gospel chapter 15, उसके 19 और 21 दो वचनों को अगर हम देखें, तो वहाँ पर prodigal son जो कह रहा है वो ये है, Oh Lord, oh my father, I am no longer worthy to be called your son. Make me like your servant. ये उनकी प्रार्थना है। परंतु परमेश्वर जो है वो एक पिता के रूप में वो क्या कह रहे हैं कि नहीं, आपने अपने पापों को मान लिया, इसलिए आप मेरी दृष्टि में योग्य हो। He understood that he is not worthy, but God the Father says that you are worthy because you repented. So इन दो बातों में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर जो है वो हमारे हृदय को, हमारे जुबान को, हमारे सोच को वो प्राथमिकता देते हैं, ना कि हमारे गलतियों को। गलतियां मनुष्य जो है जितने काल जीवन है उतने साल हम गलती करते रहेंगे। इसलिए हम क्या देखते हैं, पुराने नियम से ही परमेश्वर ने अपने लिए, अब हम सब के लिए एक बहुत बड़ी योजना को बनाई। ही नोज दैट वी आर सिनर, दैट्स वाई जीसस क्राइस्ट केम डाउन टू दिस वर्ल्ड। और इस बात को ओल्ड टेस्टमेंट में एक प्रोफेसी को हम देखते हैं, ओल्ड टेस्टमेंट डिट्रॉनमी चैप्टर 21:22। डिट्रॉनमी चैप्टर 21:22 वहां पे लिखा है, आई विल कॉल टू एंड इफ अ मैन हैज कमिटेड द सिन ही डिजर्व डेथ। If a man commits sin, he deserves death. That is 21, Deuteronomy 21:22. Easy to memorize. Deuteronomy 21:22 mein likha hai, if a man commits sin, he is deserved to die. And he must put to death, and you hang him on a tree. You hang him on a tree. To yahan par dekhiye, hum sab ke paapon ke badle, hum sab ko yogi banane ke liye, kaun jo hai cross par chadaya gaya? वो प्रोफेसी है, बिकॉज वी हैव सिन, वी डिजर्व टू डाई, बट इन ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल ऑफ अस जीसस क्राइस्ट डाइड। दैट्स व्हाट द गुड न्यूज फॉर ऑल ऑफ अस। इसलिए यीशु मसीह हम सब के पापों के बदले मारे गए, इसलिए हमें क्या करना है, हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है। डेविड रिमाइंड्स अस वेरी नाइसली दिस वन। इफ यू रीड अबाउट डेविड्स राइटिंग्स एंड ऑल, यू विल सी वेरी नाइसली व्हाट डेविड सेज दैट। वो कहते हैं कि मैं तो परमेश्वर की स्तुति कहूंगा, मैं जब परमेश्वर की स्तुति करूंगा तब मेरे पाप जो है क्षमा हो जाएंगे। देखिए उसका साम नंबर 18 वर्स नंबर 3 इट रिमाइंड्स अस दैट आई विल कॉल टू द लॉर्ड हु इज वर्दी टू बी प्रेस्ड, एंड व्हेन आई कॉल टू द लॉर्ड हु इज वर्दी टू बी प्रेस्ड, आई विल बी सेव्ड फ्रॉम ऑल माय इनिक्विटीज, ऑल माय एनिमीज। हियर एनिमीज आर नन अदर देन आवर इनिक्विटीज आर देयर। तो प्यारे दोस्तों, इन दो वचनों को डिट्रॉनमी 21:22 और भजन संहिता 18 उसका 3, इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो हम क्या पाते हैं, दो वी आर नॉट वर्दी बिकॉज ऑफ जीसस क्राइस्ट वी आर कॉल्ड वर्दी। सो व्हाट वी हैव टू डू, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग दैट आई एम सिनर, व्हाट वी हैव टू डू, ही सेज दैट, सामी सेज दैट, वी हैव टू प्रेज गॉड।
देखिए वो बहुत ही अच्छे से आई विल कॉल टू द लॉर्ड, लेट अस लर्न टू कॉल टू द लॉर्ड बिकॉज ही इज वर्दी टू बी प्रेस्ड, ही इज वर्दी टू बी प्रेस्ड, वो हमारी आराधना के योग्य है, इसलिए मैं यहोवा को पुकारूंगा क्योंकि मेरा परमेश्वर योग्य है, मेरा परमेश्वर जो है मेरी स्तुति रूपी भेंट को स्वीकार करने के योग्य परमेश्वर है, और जब मैं उनको पुकारूंगा, जब मैं अपने योग्य परमेश्वर की आराधना करूंगा, तब मैं अपने सारे शत्रुओं के साथ बचाया जाऊंगा, सारे शत्रुओं के साथ, हमारे अंदर की जो भी शत्रुआं हैं, हमारे जीवन में बहुत सारे शत्रु हैं जो हमें परमेश्वर के योग्य बनने में रोकती हैं। यहाँ पर जो है हम बहुत ही अच्छे पाते हैं, मोसेस है और डेविड है, दोनों कह रहे हैं कि यीशु मसीह आपको योग्य बनाए हैं उस पेड़ पर लटकाए जाकर, यानी क्रूस पर लटकाए जाकर, इसलिए मैं और आप क्या करें, हम निरंतर परमेश्वर को धन्यवाद दें। तो प्यारे दोस्तों, एक योग्य चाल चलने के लिए हमें क्या करना है, परमेश्वर की स्तुति हमेशा करना है क्योंकि हमारा परमेश्वर योग्य है, और वो योग्य परमेश्वर जो है वो हमें आगे बढ़ा रहा है। और इसलिए यीशु मसीह ने अपने बातों में एक अच्छी बात को बताई है, यीशु मसीह ने बहुत से अच्छे अच्छे बातों को बताई है। एक बात मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा जो मत्ती रचित सुसमाचार मैथ्यूज गॉस्पल उसके 10th चैप्टर में हम पाते हैं, मैथ्यूज गॉस्पल चैप्टर 10 उसके 37 एंड 38 वर्स में वी सी व्हाट जीसस क्राइस्ट इज टीचिंग पर्सनली, व्हाट जीसस क्राइस्ट इज टीचिंग दैट ही सेइंग दैट दोज हु पुट फैमिली फर्स्ट और सेल्फ फर्स्ट और सिन और मनी और एनीथिंग एल्स कैनॉट बी हिज ट्रू फॉलोअर्स। उसके 37th वर्स में हम पाते हैं जो भी अपने परिवार को, अपने आप को और अपने कार्यों को और अपने पापों को सामने रखता है अपने जीवन में, वो कभी भी यीशु मसीह के पीछे चल नहीं सकता है। तो कौन चल सकता है? उसके 38th वर्स में वो आंसर दे रहे हैं, 10th चैप्टर उसका 38th वर्स में वो कह रहे हैं द हु इज वर्दी, वहाँ लिखा है एनी वन हु डज नॉट टेक हिज क्रॉस एंड फॉलो मी नॉट वर्दी ऑफ मी। प्यारे दोस्तों, हमें क्या करना है? यीशु मसीह वेरी सिंपल इज टीचिंग दैट, ही सेइंग दैट टेक योर क्रॉस, टेक योर ओन क्रॉस एंड फॉलो जीसस क्राइस्ट, देन ओनली यू विल बी वर्दी, अदरवाइज देयर इज नो अदर वे टू बी वर्दी। इसलिए यीशु मसीह ने कहा एंड एनी वन हु डज नॉट टेक हिज क्रॉस एंड फॉलो मी इज नॉट वर्दी ऑफ मी। तो प्यारे दोस्तों, परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ किया है, एवरीथिंग हैज डन फॉर अस, सो वॉट वी हैव टू डू इज वी हैव टू टेक अ क्रॉस, टेक अ क्रॉस डेली एंड फॉलो हिम, व्हेन वी फॉलो हिम वी विल रिसीव गॉड्स ब्लेसिंग्स। और उन ब्लेसिंग्स के बारे में हम 4th अध्याय में इफिसियों की पत्री जो हमारा टेक्स्ट है उसके 3, 4, 5 वचनों को अगर हम देखें, वहां पर ऑल द ब्लेसिंग्स आर गिवन टू अस, अ वर्दी पर्सन व्हाट ही विल डू हिज लाइफ विल बी वेरी स्पेशल इन द साइट ऑफ गॉड। Even in Colossians chapter 1 verse number 10 also it says that the person who is worthy, he always pleases God. So when we take our cross and follow Jesus, hum kya karenge? Hum Parmeshwar ko khush karne wale rahenge. Colossians chapter 1 verse number 10 agar hum dekhe, wahan likha hai, the manner of the Lord is to please him in everything. Taking our cross is that only. जब हम अपने क्रूस को लेकर जब परमेश्वर यीशु मसीह के पीछे चलते हैं तो हम क्या करते हैं? हम अपने हर बातों में हम परमेश्वर को प्लीज कर रहे हैं, वी आर प्लीजिंग आवर गॉड, दैट्स नंबर वन। नंबर टू, व्हाट वी हैव इज देयर इज इट सेज दैट बीइंग फ्रूटफुल इन एवरी गुड वर्क्स, द वर्दी पर्सन हु टेक हिज क्रॉस व्हाट ही विल डू ही विल बी अ फ्रूटफुल पर्सन इन डूइंग ऑल गुड वर्क्स। Colossians chapter 1 verse number 10 उसके और आगे कह रहा है he will increase in the knowledge of God. When we take your cross and we follow, जब हम मसीह के क्रूस को लेकर अपने क्रूस को लेकर मसीह के पीछे जब चलते हैं तो हमारे अंदर ये 3 रिजल्ट को हम देखते हैं जो हमें योग्य बनाता है। पहला रिजल्ट जो है हम जो है यीशु मसीह को खुश करने वाले रहते हैं हर बातों में हर कार्यों में। दूसरा, हम जो है फलवंत होते हैं अच्छे कार्यों में। तीसरा जो है हम परमेश्वर के वचन के ज्ञान में हम बढ़ते जाते हैं। और ये तीनों चीजें जो है वो हमें वर्दी बनाती है, हमें योग्य बनाती है। और एक वचन देखेंगे 1 Thessalonians chapter 2 verse number 12, वहां पर देखिए क्या लिखा है, दैट यू शुड बिहेव इन अ वे वर्दी टू गॉड। द फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग, टेकिंग अवर क्रॉस एंड फॉलोइंग जीसस रिमाइंड्स अस दैट वी हैव टू बिहेव, वी हैव टू बिहेव प्रॉपरली because the God who has called you to his kingdom and glory,
Remember that we are not in this world for all the time. हम कई बार हम जब लोगों के बरियल में जाते हैं तो हम यही बात को बताते हैं, याद दिलाते हैं, टुडे इज आवर डे, टुमारो इज नॉट आवर्स. बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं जवानी के दिनों में वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए. कई लोगों की उम्र नहीं है, किस उम्र में कौन चला जाए नहीं मालूम. सो जितने दिन हम इस दुनिया में हैं, वी हैव टू बिहेव इन द वे ऑफ वर्दी ऑफ गॉड. वी हैव टू बिहेव प्रॉपरली विच इज प्लीजिंग टू गॉड, बिकॉज वी आर कॉल्ड फॉर हिज किंगडम एंड वी आर कॉल्ड फॉर हिज ग्लोरी. हम उनके राज्य के लिए और उनके राज्य के महिमा में हम जीने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है. तो इसलिए वो कह रहे हैं कि तुम्हारा चरित्र जो है परमेश्वर के योग्य हो. हमारा चरित्र जो है परमेश्वर के योग्य होना जरूरी है, जो तुम्हें राज्य और महिमा में बुलाते हैं. परमेश्वर जो है अपने स्वर्गीय राज्य के लिए हमें तैयार कर रहे हैं और इसलिए वो हमें कहते हैं कि यू आर वर्दी. दैट्स व्हाई वी आर वर्दी, बिकॉज ही इज कॉलिंग अस फॉर द ग्रेट पर्पस. उनका पर्पस ये है कि हम उनके राज्य में निरंतर रहें, उनके किंगडम में निरंतर रहें, हम निरंतर उनकी महिमा करें, हम निरंतर जो है उनके नाम को ऊंचा उठाएं. सो प्यारे दोस्तों, इस बात को हमें याद रखने की जरूरत है. कोलोसियन 1:10 एंड 1 Thessalonians 2:12, दिस टू वर्सेस रिमाइंड्स अस दैट अ वर्दी पर्सन इज ऑलवेज प्लीजेस गॉड. ही ऑलवेज लिव्स अ फ्रूटफुल लाइफ एंड इज ऑलवेज इंक्रीज हिज नॉलेज ऑफ गॉड. वो हमेशा परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ता चला जाता है और इसलिए परमेश्वर ने हमें कुछ कार्यों को दिए हैं जो परमेश्वर के योग्य हैं. वो उसको क्या क्या कार्य दिए हैं वहाँ पे हम देखते हैं. पहले हमने देखा क्या क्या चीज़ होना चाहिए, उसके आगे देखते हैं कि क्या क्या कार्य उन्होंने दिए हैं. उसका इफिशियंस चैप्टर 4:3-5 में उसी बात को देखते हैं. 3rd verse में लिखा है, और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने में यत्न करो. एक ही देह है, एक ही आत्मा है जिसने तुम्हें बुलाए हैं, उस बुलाहट को याद रखिए. देर आर 7 ones आर देर, दिस 7 ones शुड बी इन अवर लाइफ. वहाँ पर लिखा है कि एक ही दे, एक ही आत्मा जिसे तुम बुलाए गए हो, अपने बुलाए जाने की एक ही आशा है. देर इज 1 hope. वी हैव 1 body, वी हैव 1 spirit, वी हैव 1 hope. और वो एक जो है प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाता है और हम सब के अंदर एक ही विश्वास है. वी हैव 1 faith एंड वी हैव 1 baptism. And this God is in us, through us, and above us. ये परमेश्वर जो है सब में एक ही परमेश्वर, एक ही पिता जो सबके ऊपर है, सबके मध्य है और सब में है. और इसलिए वो कह रहे हैं कि जिस बुलाहट से आप बुलाए गए हो वो योग्य चाल चलो. परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर की जो विश्वास है, जो आशा है, वो सब हमारे अंदर है. इसलिए हमें उसी आशा में, उसी धैर्य के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है. और जो कोई परमेश्वर के बुलाहट को सुनता है उसके लिए 11th verse में 4-5 इंपॉर्टेंट थिंग्स आर देयर. इफ यू आर, यू लिसन गॉड्स वर्ड एंड यू आर फॉलोइंग गॉड, टेकिंग योर ओन क्रॉस, गॉड इज केप्ट फॉर यू सम वर्क्स. व्हाट वर्क्स आर देयर, उसके 11th verse में दिखाया, उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त किया, कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त किया, कुछ को सुसमाचार सुनाने वाला नियुक्त किया और कुछ को रखवाले और कुछ को उपदेशक करके नियुक्त किया. 5 things are given to us here. Many are spiritual blessings are there, but Ephesus reminds us that 5 blessings. 5 things we have to do. What things are there? Number one, you be like a preacher or teacher. You be like a prophet. In the Bible, many prophecies are there that you have to foretell to them. Or you have to share the gospel. Is kaary ke liye aapko niyukt kiya gaya hai, that's what he says. To share the word of God, God has chosen you. And God has made you holy. So, प्यारे दोस्तों, इन बातों को हम स्मरण रखें. जो बातें हमें आज परमेश्वर का वचन सिखा रहा है वो ये है कि टेक योर क्रॉस एंड फॉलो हिम. डोंट थिंक दैट यू आर नॉट वर्दी. गॉड नोज दैट. दैट्स व्हाई वर्ड ऑफ गॉड रिमाइंड्स अस दैट यू आर वर्दी. डोंट बी लाइक अ जेकब ओनली स्टैंडिंग देयर, बट ही रिटर्न्ड बैक टू एसाव एंड ही सेज दैट आई वॉन्ट टू रिपेंट एंड गॉड ब्लेस्ड हिम. डोंट बी लाइक अ पीपल who blame Jeremiah. उन लोगों के समान ना बने जो यर्मिया को जो है वो ब्लेम कर रहे थे, परंतु उस प्रिंस के जीवन में परमेश्वर ने कार्य करते हुए बताया कि यर्मिया जो है वो योग्य है क्योंकि उसने सही बात को बताया है. डोंट बी लाइक अ एल्डर सन इन दैट प्रोडिगल सन. देर इज देर वी सी 2 sons आर देर. डोंट बी लाइक अ एल्डर सन. ही वॉज ऑलवेज विद द फादर बट डिड नॉट एंजॉय. Here is the person who prodigal son. He say that, yes, I am sinner. I am not worthy. And God says, you are worthy.
देख रहे हैं आप, जब हम कहते हैं कि हम किसी भी योग्य नहीं है, when we say that we are not worthy, God says you are worthy. That's what the word of God is. So इसलिए प्यारे दोस्तों, prodigal son में छोटे बेटे की तरह शायद आपने गलती की हो, लेकिन परमेश्वर कह रहे हैं कि आप योग्य हो. और उस योग्यता को याद रखने के लिए हमें क्या करना है, अपना क्रॉस उठाना है, परमेश्वर के पीछे चलना है. जब अपने क्रॉस को उठा के पीछे चलते हैं तो हम जो है परमेश्वर को प्लीज करते हैं. वी प्लीज गॉड, वी विल, आवर लाइफ विल बी फ्रूटफुल. वी ऑलवेज टेल अबाउट द गुड न्यूज टू ऑल द पीपल्स, दैट इज व्हाट द फ्रूटफुलनेस इज. वी शेयर द गॉस्पल, वी टॉक अबाउट द जीसस क्राइस्ट, वी टॉक अबाउट ऑल गुड थिंग्स विच गॉड हैज डन योर लाइफ इन माई लाइफ. सो मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ अस सो दैट द वर्दी लाइफ मे वी लीव एंड वी मे ग्लोरीफाई हिज नेम एज द वर्ड ऑफ गॉड रिमाइंड्स अस दैट. लेट अस remember the resources what we have in Christ. Let us be consistent in your faith. इन दो बातों को याद रखते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम अपने क्रॉस को उठाकर परमेश्वर के पीछे चलते हैं. अगर परमेश्वर हम सबके साथ बातें कर रहे हैं और हमारे अंदर परमेश्वर के वचन से आनंद और उमंग को हमने पाया है, तो आइए हम मन में परमेश्वर को धन्यवाद दें. हाँ प्रभु जी, आपका वचन मधुर है, मीठा है. हमारे विचार कई बार कड़वे होते हैं, बिटर होते हैं, परंतु आपका वचन, योर वर्ड इज लाइक अ हनी द हनीकॉम्ब. यस लॉर्ड, योर वर्ड्स आर सो प्रेशियस टू मी, इट एनकरेजेस मी. आइए हम प्रार्थना करें कि प्रभु जी आप मुझे ज्ञान दीजिए कि मैं यीशु मसीह में जो भी रिसोर्सेस मेरे लिए हैं उसे मैं गिन सकूं. मेरा जीवन कंसिस्टेंट होकर मैं एक विश्वास योग्य जीवन को जीने में आप सहायता करिए. सर्वशक्तिमान सामर्थ्य प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं इस अच्छे समय के लिए. हाँ पिता परमेश्वर, जवान बच्चों के जीवन में आपने बड़े बड़े कार्यों को दिए हैं. हाँ प्रभु जी, कई बार शैतान उन्हें छीन लेना चाहता है, लेकिन आपका वचन कहता है कि कोई भी इन जवान बच्चों को आपसे छीन नहीं सकता, क्योंकि ये आपके प्रिय लोग हैं, ये आपके जन हैं. आपने उन्हें अपने बहुमूल्य लहू के द्वारा आपने उन्हें धोकर शुद्ध और पाक बनाया है. इसलिए प्यारे प्रभु जी, ये प्रिय लोग जब इस दुनिया में जीते हैं, इस दुनिया में प्रभु जी आपके पीछे चलने में, अपने क्रूस को लेकर आपके पीछे चलने में आप सहायता करिए, ताकि प्रभु जी ये योग्य जीवन को जी सके और आपके नाम की महिमा कर सके. आपके राज्य में बहुत से लोगों को प्रवेश कराने में आप इन बच्चों को, इन जवानों को आप आशीष कीजिए, हमारी प्रार्थना है. ताकि प्रभु जी आने वाले दिनों में हम और भी ज्यादा इन जवानों के जीवन में आपके आशीषों को देख सके, जिसके द्वारा हमारी कलीसिया और भी उन्नति करते हुए आपके दोबारा आगमन तक, आपके सेकेंड कमिंग तक, ये सब प्रभु जी आपकी ओर ताकते हुए आपके क्रूस को लेकर आपके पीछे चलने में सहायता करिए. हाँ प्रभु जी, हम में से कोई भी योग्य नहीं है, परंतु केवल और केवल यीशु मसीह के प्रेम के द्वारा हम योग्य बने हैं. इसलिए हम योग्य चाल चलने में आप हमारे संग रहेंगे, हम विश्वास करते हैं. पिता परमेश्वर, आपके प्रिय लोगों को आपके हाथों में समर्पित करते हुए, आपके मधुर वचनों के द्वारा आपने हमसे बातचीत की, इसलिए धन्यवाद देते हुए इस छोटी सी प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं.